पहली बात कि असम के सीएम का फैसला नहीं है, ये असम के विधानसभा अध्यक्ष का फैसला है, ये उनके परव्यू में आता है। दूसरी बात, इस पे जो लोग हो हंगामा मचा रहे हैं उनको एक लाइन में पूछना चाहता हूँ कि संविधान के किस अनुच्छेद में, किस कॉलम में लिखा है कि जुम्मे के दिन नमाज पे 2 घंटे की छुट्टी होनी चाहिए? कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। ये एक कॉलोनियल फैसला था जिसको हटा के एक प्रोडक्टिव बढ़ाने की कोशिश की गई। हालांकि अगर उनको मन है कि जुम्मे के दिन 2 घंटे की छुट्टी होनी चाहिए तो कांग्रेस पार्टी के 9 MP हैं मुसलमान हैं, TMC के 5 MP मुसलमान हैं, सपा के 4 MP मुसलमान हैं, लोकसभा राज्यसभा में ले आइए, इसको संविधान ही में डाल दीजिए कि जुम्मे के दिन 2 घंटे की छुट्टी मिलनी चाहिए। भाई जो हवा में प्लेन चला रहा है पायलट, अगर मुसलमान है वो भी प्लेन को ग्राउंड करके नमाज पढ़ लेगा, ऐसा ही देश चलेगा अगर यही चाहते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं तेजस्वी यादव। इनका राज आएगा तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे, मैं जानता हूँ। अगर ये राहुल गांधी तेजस्वी यादव अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे, यही काम ये करना चाहते हैं। कहाँ छुट्टी मांगा किसी हिंदू ने? कि हिंदू ने भी कहा तो अगर शुक्रवार को आप देते हैं तो हमारा मंगल का हनुमान जी का होता है, सोमवार को महादेव का होता है, तो हमें हर दिन अलग अलग छुट्टियां दे? ये नहीं चलेगा। धर्म के आधार पर कानून नहीं चलता है, समाज और देश चलता है व्यवहार और एक राष्ट्र एक कानून के तहत। किसी को नमाज पढ़ने की दिक्कत नहीं है, जिसको नमाज पढ़ना है वो नमाज पढ़ेंगे, लेकिन नमाज पढ़ने की वजह से अन्य लोगों की छुट्टी में डिस्टर्ब, जो छुट्टी होती थी उनकी छुट्टी ख़त्म की गई है। जिनको नमाज पढ़ना है भारत की सरजमी पर, किसी को रोक नहीं है। ये दुष्प्रचार है कि नमाज पढ़ने को रोका जा रहा है। नमाज जुमे की नमाज हो या 5 वक्त नमाज हो, जिनको 5 वक्त भी पढ़ना है, ऐसे तो 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है, 5 वक्त पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए तो छुट्टी नहीं होती है। फिर जुमे के लिए ही छुट्टी थी कि वो 2 घंटे की, लेकिन जो लोग नमाज पढ़ेंगे वहाँ के जो MLA हैं वो जाके पढ़ सकते हैं। हमारा देश सेकुलर कंट्री है, हमारे देश जो है वो संवैधानिक मूल्यों मर्यादाओं के आधार पर चलता है। हमारे देश में जो है वो किसी भी जो सरकारी संस्था या व्यवस्था है उसमें किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए, धार्मिक पूजा पाठ के लिए, नमाज के लिए कोई कभी भी जो है वो छुट्टियां नहीं होती हैं, उसके लिए कोई ब्रेक नहीं होता है। इसलिए जो है वो जो लोग इस पे सवाल कर रहे हैं वो जो है खुद अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो कहेंगे कि साहब सेकुलरिज्म की रक्षा होनी चाहिए, दूसरी तरफ कहेंगे कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए, और ये सारे की सारी चीज़ें आप जो सेकुलरिज्म है और जो संविधान है उसके विपरीत जो हो रहा था उसको आप कहेंगे ये करेक्ट। VK News, राष्ट्र के नाम।